जनजाति सुरक्षा मंच की दो दिवसीय केंद्रीय बैठक नागपुर में हुई, जहां यह तय किया गया कि महाराष्ट्र की जनजाति आरक्षित 25 विधानसभा में किसी भी दल द्वारा जनजाति संस्कृति परंपरा आस्था का त्याग कर मुस्लिम एवं ईसाई धर्म को अपनाने वाले किसी भी जनजाति व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया जाए। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा यदि धर्मांतरित जनजाति को प्रत्याशी बनाया जाता है तो जनजाति समुदाय के लाखों कार्यकर्ता ऐसे दलों एवं उम्मीदवार का विरोध करेंगे। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि लाखों की संख्या में दिल्ली की ओर कुछ करेंगे एवं संविधान के आर्टिकल 341 में जिस प्रकार से डॉक्टर बायो द्वारा आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति समाज के संरक्षण के लिए संशोधन कराया था कि जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू सिख एवं बौद्ध पंथ को त्याग कर अन्य धर्म में धर्मांतरित हो जाता है उसे शिक्षा नौकरी सरकारी योजना एवं राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वैसे ही जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा निरंतर इस बात की मांग की जा रही है कि आर्टिकल 342 में भी आर्टिकल 341 की तरह संशोधन कर जनजाति संस्कृति परंपरा आस्था को त्याग कर अन्य धर्म में धर्मांतरित अपनी पहचान खो चुके जनजाति को शिक्षा रोजगार एवं सरकारी योजना तथा राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण न दिया जाए। विगत 70 वर्षों से मूल जनजाति व्यक्ति के आरक्षण का लाभ धर्मांतरित हड़प रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप आर्टिकल 342 में संशोधन कर मूल जनजाति को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान में जनजाति सुरक्षा मंच के आह्वान पर विगत 3 माह में 450,000 जनजाति समुदाय के द्वार पर प्रधानमंत्री के नाम से आर्टिकल 342 में संशोधन हेतु पोस्ट कार्ड लिखा जा चुका है एवं यह अभियान पूरे देश में अभी भी निरंतर जारी है। राष्ट्रीय छोटी टोली की बैठक नागपुर में संपन्न हो गई आज, दो दिवसीय बैठक थी और इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा विमर्श किया गया है और आगामी झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधान सभा का चुनाव होने वाला है इसमें जनजाति सुरक्षा मंच के बारे में आपको मैं आप सबों को मैं बता दूँ कि जनजाति समाज का जिन्होंने रूढ़ी परंपरा प्रथा को छोड़ दिया संस्कृति को, वैसे जो जनजाति समाज के जो व्यक्ति वो हमारे जनजाति आरक्षण सीट से वो कोई भी दल पार्टी उसको प्रत्याशी न बनाए, यदि ऐसा यदि करते हैं तो जनजाति समाज उसका हर प्रकार से विरोध करेगा। और हमने पहले भी जनजाति सुरक्षा मंच का हमारा प्रदेश के जो संयोजक हैं उन्होंने सभी दल के और अध्यक्ष को ज्ञापन दे चुका है झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी मुंबई में जाकर के, तो एक इस पर भी लोगों ने विचार किया। और इसी के कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV,